हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन YGS टेक्निकल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कूलियो 8 वर्जन 3 कुलपैड नोट 3 लाइट में कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप ये जो TWRP रिकवरी इंस्टॉल कर लीजिए, TWRP वर्जन 3.1.0.0। यहाँ वाइप पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ स्वाइप टू फैक्ट्री सेट कर दीजिए। अब यहाँ मैं बैक पे क्लिक करता हूँ, एडवांस वाइप, डेल्विक सिस्टम, कैश डेटा, इस सबको सिलेक्ट कर दीजिए। इंटरेस्ट स्टोरेज को भी सिलेक्ट कर दीजिए और वाइप कर दीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट स्टोरेज को भी आपको वाइप करना पड़ेगा नो बग्स आने के लिए। तो यहाँ बैक पे क्लिक कर दीजिए, इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। अब सिलेक्ट स्टोरेज, यहाँ मैंने माइक्रो एसडी कार्ड में रखे तो मैं माइक्रो एसडी कार्ड चूज़ करूँगा, ओके कर दीजिए। यहाँ मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ एक फोल्डर कूलियो 8 वर्जन 3 और यह रॉम इंस्टॉल कर लीजिए, स्टेबल कूलियो 8 वर्जन 3। या ऐड मोर जिप्स पे क्लिक कीजिए और एक्सपोजर भी चूज कर लीजिए, क्योंकि गाइस एक्सपोजर लगेगा हमको, मतलब उन्होंने कहा है ट्रिक बनने ने तो वैसा ही करने पड़ेगा, मुझे भी कुछ मालूम नहीं है ऐसा। तो ये इंस्टॉल कर लीजिए उसके साथ, बेटर रहेगा आपके परफॉर्मेंस के लिए। तो ये कुछ टाइम लगाएगा, तब तक वीडियो मैं स्किप करता हूँ। तो गाइस हमारे जो रॉम है सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गए हैं। अब आपको करना है वाइप कैश डेल्विक स्वाइप टू वाइप कर दीजिए और यहाँ बैक पे क्लिक रिबूट सिस्टम कर दीजिए या डू नॉट इंस्टॉल। तो अब हमारा जो कुलपैड का लोगो है वो आ गए, वो कि जो कि लॉलीपॉप रॉम की तरह है। और इसका जो बूट एनिमेशन है वो भी कुलपैड पे, मतलब ऐसा ही होगा कुछ कुलपैड का, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। और यह एक और बार रिबूट होगी रॉम यह। हाँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो रॉम है वो और एक बार रिबूट हो गए हैं। तो ये थोड़ा टाइम लगा, 10 मिनट तक का वीडियो में स्किप कर देता हूँ। तो गाइज हमारे जो रॉम है सक्सेसफुली बूट हो गए हैं। अब यहाँ मैं जल्दी इसका सेटअप लगा लेता हूँ। तो अब हम यहाँ फिंगरप्रिंट टेस्ट करते, फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है या नहीं, या पिन, या मैं पिन कुछ भी डाल दीजिए, जैसे कि मैं 111 डाल देता हूँ। और यहाँ नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट। और अब आप देख सकते हैं मैं फिंगरप्रिंट ऐड करने वाला हूँ, या आप फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं। एक देख ले, आप फिंगरप्रिंट जो है वो ऐड हो रहा है। यहाँ आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ डोंट रिस्टोर पे क्लिक कर देता हूँ मैं। और यहाँ आपको एक तीन लॉन्चर पूछेगा, लॉन्चर ये नोवा लॉन्चर है पिक्सल, तो अब मैं पिक्सल लॉन्चर चूज कर लेता हूँ। या तो हमारी जो रॉम है वो सक्सेसफुली बूट अप हो गई है गाइस। तो अब हमें करना है, पहले हम इसका वर्जन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं नीचे जाता हूँ अबाउट फोन सेक्शन में, यहाँ आप देख सकते हैं जो वर्जन है वो वर्जन 3 कूलियो 8 ट्रिक 1। तो ये जो रॉम है वो वर्जन 4, वर्जन 7 है, वर्जन 10 से बेटर है। तो आप यह इंस्टॉल कर लीजिए, इसमें कुछ भी बग नहीं है। एक बग है वो 15% बैटरी ड्रेन। तो अब हम फिंगरप्रिंट एंड उल्टी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पहले मैं उल्टी टेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ मैं एक नंबर सिंपल सा डायल कर लेता हूँ 198। यहाँ परमिशन सलाव को देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोन का जो कॉल है वो लग गया है हमारा, आप टाइम देख सकते हैं। तो उल्टी वर्क कर रहा है गाइस। और एक बात गाइस, *9527 *#, ये डायल कर लीजिए। और जो DM फ्लैग है आपका, अगर यहाँ रेड कलर आया होगा तो आप यह प्रोसेस कर दीजिए, जो पासवर्ड डाल दीजिए 54321 एंड ओके कर दीजिए, क्लोज। तो अब हम यहाँ फिंगरप्रिंट टेस्ट करते हैं, फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है या नहीं। तो यह कुछ UI है, तो फिंगरप्रिंट मैं आपको ये ओवरव्यू में दिखा दूंगा। तो चलिए अब हम ओवरव्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए गाइस।